Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं Car for Sale Simulator. तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने एक न्यू मस्टैंग कार खरीदी थी और उसको फुली मॉडिफाई भी करवा दिया था. मतलब मैंने उसमें रेसिंग किट इंस्टॉल करवाई, उसमें नाइट्रो इंस्टॉल करवाया ताकि वो और भी तेज बूस्टर के साथ भागे, और थोड़ा बहुत उसका कूल सा पेंट करवा के मैंने उसे रेडी कर दिया था ड्रैग रेस के लिए. क्योंकि यार देखो, अभी तक ना मैं इस गेम में सिर्फ गाड़ियां बेचकर पैसा कमाता था अपने शोरूम से, बट अभी हम लोग रेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं क्योंकि यहां से पैसा कमाने के चांसेस बहुत ज्यादा है. बट यार इसमें ना रिस्क भी बहुत ज्यादा है क्योंकि अगर रेस हारे तो सीधा 30-40 हजार डॉलर का नुकसान होता है, बट अगर जीतते हैं तो फिर आता भी बहुत सारा पैसा है. तो लेट्स गो, चलते हैं गेम में. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नो मोटर्स. आज अपनी वीडियो की शुरुआत ही गाड़ी में बैठकर हुई है क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ड्राइव ही कर रहा था. बाय द वे, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जब से गाड़ी खरीदी है और जब से गेम में ड्रैग रेस आई है, क्या मैं सिर्फ ड्रैग रेस करके पैसा कमाने वाला हूँ? देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अभी मेरा टारगेट पता है क्या है? अपना टेक्नो मोटर्स जो है ना, प्रॉपर लग्जरी कार का शोरूम हो चुका है. मतलब मैं अभी अपने शोरूम में सिर्फ और सिर्फ ऐसे 50-60 हजार डॉलर या लाख डॉलर वाली गाड़ियां लाकर बेचने वाला हूँ. सस्ती गाड़ियां खरीदना आप थोड़ा अवॉइड करेंगे क्योंकि थोड़ा अभी पैसा मेरे को ज़्यादा कमाना है. फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा था और यही है गाइस वो जगह जहाँ पर ड्रैग रेस होती है. मेरे शोरूम जाने का फायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पर ना पागल है भाई, सुबह सुबह गाड़ी ठोक दी यार. वैसे ठीक है, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ. हाँ, मैं कह रहा था कि अभी शोरूम जाने का फायदा नहीं है क्योंकि अपने पास कोई भी गाड़ी नहीं है. ताकि हाँ, जरूरी नहीं है शोरूम ना जाऊँ तो मैं काम नहीं करूँगा. पता नहीं क्यों जब से गेम में रेस वाला ऑप्शन आया ना, मैं बस अपनी मस्टैंग लेके रेस कर करके पैसा कमाने के पीछे भाग रहा हूँ. आज ना गाइस कार मार्केट प्लेस ओपन है तो लगे हाथ वहाँ पे चलते हैं. कभी कभार वहाँ पे बहुत सही सही कार आती है. पिछली बार ऑडी R8 आई थी और भाई क्या पटाखे मार रही है मस्टैंग. हाँ, तो पिछली बार ऑडी R8 आई थी, 5 लाख की थी भाई वो, तो मैंने वो नहीं ले पाया क्योंकि मेरे पास तब पैसे नहीं थे, बट अभी बहुत सारे पैसे मेरे पास है. तो फटाफट यहाँ पर चलते हैं. आराम से. वाह, क्या पार्किंग हुई है भाई. चलो भी इंजन ऑफ करते हैं, मार्केट प्लेस में चलते हैं. बस आज ना कोई बढ़िया सुपर कार. यार मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है यार. जब मेरी जेब में पैसा होता है तब अच्छी गाड़ी नहीं आती, और जब अच्छी गाड़ी आती है तब पैसा नहीं होता है. यहाँ पर एक BMW आई हुई है, ये सब नहीं खरीदना, मुझे सस्ती गाड़ी नहीं लेनी. एक बार को ये अच्छी है, बट ये भी बहुत सस्ती दिख रही है मुझे. कितने की है ये लड़की? मुझे भाई 56,000 डॉलर की, यानी अच्छी कार है. ये BMW की कूपे है. ऐसा नहीं है कि मुझे भी सस्ती गाड़ियों से नफरत हो गई है. सीन पता है क्या है? महंगी गाड़ी खरीदो 50,000 डॉलर की और उसे लाख का बेच दो, एक ही गाड़ी से 50,000 डॉलर का प्रॉफिट. तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और जल्दी कमाई भी हो जाती है. तो ये गाड़ी मेरे को अच्छी लग रही है. 56 की इसने मेरे को बोली है, 42 की ट्राई करके ले लेता हूँ. बार्गेन करके 42,000 लास्ट ऑफर. भाई वैसे कभी कभार होता है इतनी सस्ती. वेट, नहीं दे रही है 56 के. तू यार एक काम कर, 48 ले ले यार, दे दे भाई. अभी गाड़ी में काम भी करवाना है मुझे. 13% डैमेज है. ओके हो गया, लेट्स गो. ये गाड़ी हमने ले ली है, BMW की, बहुत सही दिख रही है. और मैं इसको पता है ड्रैग रेस के लिए भी यूज कर सकता हूँ अगर एक्चुअल में इसकी स्पीड बहुत अच्छी हुई तो. चलो ठीक है, अभी एक काम करता हूँ, इस गाड़ी को ना मैं रिपेयर होने के लिए भेज देता हूँ लगे यहाँ. और तो यहाँ से कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जिससे मैं खरीदूँ. है बट काफी घटिया कार है. ये कौन सी है यार? कितने की है गाड़ी? होंडा नहीं लेनी. 6,000 की तू बेच रहा है. इसको ले जाके काम करवाऊंगा, 12,000 की मैं बेचूंगा. 3-4 हजार डॉलर नहीं कमाना भाई. अब हमें बड़ी गेम खेलना सीखना है. लाख की गाड़ी लाओ, 2 लाख की बेचो. चल ये भी 34 की. भाई यहाँ कुछ भी खरीदने लायक नहीं है. मैं जा रहा हूँ मस्टैंग में भाई. अभी एक तरीका है कि यहाँ से मस्टैंग लेके निकलते हैं नेबरहुड में. हो सकता है वहां पर कोई गाड़ी आ रखी हो. मतलब कभी कभार होता है यार, निसान GTR टाइप कोई बेच दे, मजा आ जाएगा भाई. अभी फटाफट से काम करता हूँ, BMW खरीदी है, ये अच्छी गाड़ी है, इसको लेकर रिपेयर करवा के बेचने पे लगाता हूँ. उसके बाद चलते हैं नेबरहुड. तब तक गाड़ी के कस्टमर भी आ जाएंगे और मैं गाड़ी आराम से खरीद भी पाऊंगा. लेट्स गो. जी भाई साहब, रिपेयर पे लगा दो इसको. बाकी भाई बहुत कम डैमेज थी, बहुत जल्दी गाड़ी रिपेयर हो जाएगी और उसके बाद मैं गाड़ी को बेचने पे लगाऊंगा. अरे अभी भैया ही नहीं आया ऑफिस से, तो वो आएगा 10 मिनट उससे लगेंगे. मैं तो रेडी हूँ, मतलब ट्राई करते 8:30 तक आ जाएंगे. ऑलराइट गाइस, अपनी BMW रिपेयर हो चुकी है. फटाफट से गाड़ी में बैठ के इसको शोरूम पे लगा कर आता हूँ बेचने के लिए. ध्यान से भाई, गाड़ी साउंड बहुत सही कर रही है, बट ड्रैग रेस के लिए अपनी मस्टैंग अच्छी है भाई. ओहो यार ये गाड़ी बढ़िया है, हैंड ड्रिफ्टिंग तो है. चलो ऑफिस में आ चुके हैं, ओपन कर दिया टेक्नो मोटर्स, लेट्स गो. अभी थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा उठा के पहले मुझे यहाँ पे फेंकना है. भाई पता नहीं कौन इतना कूड़ा फेंक कर जा रहा है भाई मेरे ऑफिस के बाहर. बट ठीक है, मैंने भी यहाँ पर सफाई कर दी. अरे कितना गंदा है भाई. हाँ सफाई मैंने कर दी है, गाड़ी भी डर्टी है थोड़ी सी, इसे क्लीन कर देता हूँ. अभी अपने पास अच्छा खासा टाइम पड़ा हुआ है तो आज रात होने से पहले मैं ड्रैग रेस करके पैसा कमा लूंगा. अपने को टेंशन नहीं है भाई, हमने खतरनाक गाड़ी खरीदी हुई है तो अपने पैसों का नुकसान नहीं होगा. बाकी ये गाड़ी ली थी, इसकी फटाफट से एक बढ़िया वाली फोटो खींचते हैं और वेब पेज पे जाके इसे अपलोड कर देते हैं. BMM 48,000 की मैं लाया था, इसे हम बेचेंगे 80,000 का. तो देखो महंगी गाड़ी खरीदने का ना यही फायदा है कि एक खरीदो बहुत सही कमा लो, सस्ती 3-4 खरीद के भी उतना ही कमाना है, एक महंगी खरीद के भी उतना ही कमाना है. अभी जब मेरे पास पैसा
पैसा है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं यही करूंगा। फिलहाल अभी चलते हैं नेबरहुड में, मस्टैंग ऑन कर लिया भाई, ये गाड़ी को भगाते हुए ले जाएंगे। ओ वेट भाई एक सेकंड, अपना शोरूम बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो गया है? मैं निकल ही रहा था, कस्टमर्स आ भी गए। ओ हेलो, इतनी जल्दी मत आओ यार, मेरे को नेबरहुड जाना था। हाँ जी बताओ, कितने की खरीद रहे हो गाड़ी? आपकी जेब में पैसा है? 80,000 भाई, 72। देखो ये दे रही है, रुक जा भाई, तू रुक जा, कस्टमर्स तो आए हैं भाई BMW के लिए, उससे बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं ये 64। तू चले जा यहाँ से, तू खरीदेगा BMW, इधर आइयो, निकल यहाँ से, चप्पल पहन के चलाएंगे BMW। हाँ जी, इनसे पूछते हैं भाई। भाई ऑफिस जाने के लिए बहुत सही कार है, 50% पेंटेड है, पता नहीं क्यों पहले वाले ओनर ने। अरे भाग यहाँ से भाई, ये अच्छी मेरे को लग रही है, कस्टमर है 72, ये दे रही है, थोड़ा बहुत बार्गेन करके क्या पता ले जाइए 78 या 76 में। फर्स्ट मैं इसे बोलता हूँ 77,999, ये तो नापतोल वाला प्राइस दूंगा भाई मैं इसको। ओके ओ बिक गई, ओ बिक गई भाई। हेलो, देख रहे हो कितनी जल्दी मैंने पैसा कमा लिया। अभी पता है मैं 3-4 सस्ती गाड़ियां लाता ना, फिर उन तीनों को अलग अलग करके रिपेयर करवाओ, तीनों को एक एक करके लेकर आओ यहाँ पर खड़ी करने, फिर तीनों को अलग से वेबसाइट पर डालो। इससे बढ़िया $1,00,000 टारगेट बनाओ भाई। मैंने ना अभी अपने पास पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया है, तो भी ओ भाई ये डरा देती है भाई ये गाड़ी कभी कभी। हाँ तो मैं ये कह रहा था, मैंने पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया है, तो इस पैसे को ना मेरे को ढंग से यूज कर रहा है। मैं बस इंतजार में हूँ, आज एक बढ़िया गाड़ी दिख गई ना मुझे, मतलब $500,000 वाली ऑक्शन में या फिर मार्केट प्लेस में, तो वो मैं खरीद लूंगा। लेट्स गो भाई, नेबरहुड में आ चुके हैं। काश यहाँ पर मुझे एक और मस्टैंग सुपरा टाइप कुछ तो मिल जाए जो महंगी बिक सके। लेफ्ट वाली गली में कुछ नहीं है, इस वाली गली में भी आज कोई ढंग की गाड़ी नहीं है यार। यार किस्मत कितनी ज्यादा खराब है भाई, कोई अच्छी गाड़ी नहीं आ रही। सामने ऑडी TT है, बट नहीं यार, पता है वो भी पहले महंगी लगती थी, अब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ चुका है तो अब वो गाड़ी भी मेरे को सस्ती लग रही है। नहीं यार तुम खुद देखो ना, पहले हम लोग गाड़ी से पहले हम लोग बस पकड़ कर आते थे गाड़ियां देखने के लिए, अब मैं मस्टैंग में आ रहा हूँ भाई, पर आज गाड़ियां में कोई पसंद नहीं आ रही। छोड़ो यार, जब कोई अच्छी कार नहीं आ रही तो सस्ती गाड़ियां खरीद के पैसा और टाइम मुझे दोनों वेस्ट नहीं करना है। तू निकाल ले भाई, तू निकाल ले पहले, जा। हाँ नहीं तो घोचू, मैं जा रहा हूँ भाई अभी ड्रैग रेस करने, क्योंकि आज के दिन उन्होंने ज्यादा पैसा नहीं कमाया, सिर्फ एक गाड़ी बेची है, $30,000-40,000 कमा लिए। मेरा इतने में पेट बिल्कुल नहीं भरने वाला है, मैं जा रहा हूँ ड्रैग रेस करने और जीत के आऊंगा। बस यार कॉम्पिटिटर इजी मिल जाए, पिछली बार तो हमने एक मर्सिडीज वी क्लास से रेस लगाई थी, उसको हरा दिया था, फिर बाद में भाई तुम थोड़ा डेंजर तरीके से गाड़ी नहीं चलाते हो कांपते हुए। ओके तो ड्रैग रेस के लिए आ चुके हैं, और एक प्रॉब्लम है, एक सेकेंड देखो गाइस, लेफ्ट वाली गाड़ी तो लैक्सस है, इसको हरा दो। राइट में निसान GTR खड़ी है, बट इसकी ड्राइवर थोड़ी चूरन लग रही है, तो पहले पहले इससे लगाते हैं भाई, पहले थोड़ी कमाई हो जाए, उसके बाद नुकसान देख लेंगे। 21,000 ठीक है भाई, इसको लपेट देंगे यार। ओके ड्रैग रेस के लिए हम लोग आ चुके हैं, लास्ट टाइम तुम्हारा भाई जीत के भी गया था, थोड़ा शुरुआत में हारा था क्योंकि चीज समझ नहीं आ रही थी कैसे कैसे गियर अप हमें करना है, बट अभी सब कुछ मालूम पड़ चुका है, तो इस बार ही हारने का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, गियर अप मारा, इंजन स्टार्ट एंड आगे चलते भाई। भाई थोड़ा बहुत नहीं, मेरे को डर नहीं लग रहा। चलो गाइस, दोनों गाड़ियां आकर लग चुकी है भाई, वो रेस लाइन के कुछ ज्यादा क्लोज नहीं है। भाग 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 भाई, लैक्सिस लपेट दूंगा मैं, छोटे छोटे टायर ये ले। ओए मैंने क्या गियर अप क्यों नहीं करा भाई, मैंने गियर अप ही नहीं करा, हार गए यार। कि मैं उसको देख रहा हूँ कि वो पीछे पीछे, मैं नाइट्रो मार रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, गियर अप ही नहीं करा यार, मैं भूल के जाता हूँ। तो देखो भी सीन क्या है ना, नॉर्मली गाड़ी जो है अपना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे चलती है, बट ड्रैग के टाइम पे थोड़ा मैनुअल हो जाती है, तो हमें गियर अप करना पड़ता है बार बार, उस पर ध्यान देना होता है। मैं पता नहीं क्यों ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ और हार जाता हूँ। तो अभी देखो एक रेस में हार गया, पता नहीं क्यों, आज का दिन बहुत ज़्यादा मेरे लिए पनौती था, कैसे हम लोग नुकसान करवाए हैं। बट सीन अभी कुछ ऐसा है, बगल में एक ऑडी R8 आई हुई है भाई, TT नहीं है, R8 है, लपेट सकती है, और बंदा 2 लाख की बेट लगा रहा है। मस्टैंग अगर तूने जितवा दिया, कसम से कभी नहीं बेचूंगा इस गाड़ी को इस गेम में, आ जा भाई। दो गाइस लगा दूंगा यार, 2 लाख का नुकसान मेरे को दिख रहा है होने वाला है, क्योंकि वो गाड़ी बहुत ज्यादा फास्ट है, बट ऐसे की तैसे मैं रिस्क लेने वाला बंदा हूँ भाई, कमा लेंगे भाई 2 लाख दोबारा से भाई, बहुत गंदी पिटाई होने वाली है, पर अगर जीत गए तो वो सोचो भाई, आज मस्टैंग की या तो औकात दिख जाएगी या मस्टैंग औकात दिखा देगी। लेट्स गो, पता ये एकदम वो रेस है जो मेरे को पता है कि मैं हार चुका हूँ, बट मैंने फिर भी करी कि क्या पता सामने वाला ड्राइवर बच्चा हो, छोटा सा अमीर घर का, जैसे बस गाड़ी लेकर आ गया हो, जैसे पता ना हो चलाते कैसे मेरी तरह। चलो अभी नहीं, बस भाई गाड़ी सही पोजीशन पे पहुंच चुकी है, गियर अब ध्यान से करना है भाई, पिछली बार की तरह मेरे को गलती नहीं करनी। भाग मस्टैंग भाग 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 भाग, भगा ले भगा ले भगा ले, नहीं 2 लाख गए मेरे। ओह
गरीब हो गए गाइस हम, बहुत गंदा बड़ा चूना लगाया भाई। और मस्टैंग ने अच्छा परफॉर्म करा, मैं इस गाड़ी को बेच रहा हूँ, मेरा हो गया भाई। ये गाड़ी ने मेरी बहुत नाक कटवा दी है, ड्रैग रेस वाले भी बंद करके चले गए। क्या यार मस्टैंग जितवा देती भाई, वैसे अच्छा परफॉर्म करा था स्टार्टिंग में, पिकअप तो सही दे दिया था, उसके बाद असलियत में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है यार उसकी गाड़ी की, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैंने अपना बेस्ट दिया भाई। गाड़ी भी मैंने भी बेस्ट दिया, गाड़ी ने भी बेस्ट दिया, पर क्या करें इस गाड़ी में ताकत ही नहीं है ना ज़्यादा। असलियत में भाई जीतना है तो मैं ऑडी R8 फरारी कुछ इस टाइप का गाड़ी खरीदना पड़ेगा, वरना ऐसी बार बार नाक कटवाएंगे भाई, बहुत ज्यादा 2 लाख का नुकसान। ढाई पहले वाला तो मैं गेम भी नहीं रहा, वरना वो भी 21,000 का था यार। मैं अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था, पता नहीं कहाँ ये ड्रैग रेस की लाइन में घुस आया। नुकसान भी होता है कमाई भी होती है, बट अब मैं कल से बिजनेस कंटिन्यू करने वाला हूँ। मेरे को लग रहा है एक टाइम ऐसा आएगा सारा पैसा उड़ जाएगा मेरा। ये गाड़ी को मैं बेच दूंगा, मुझे एक अच्छी गाड़ी मिल जाए ना मैं इस गाड़ी को बेच दूंगा, बैंक वैंक से लोन ले लेता हूँ। तो ये सारे के सारे बिल्स है अपने ऑफिस के, बैंक का बिल कितना है भाई पे कर देता हूँ भाई। ओके बैंक का बिल नहीं हुआ भाई, रात होगी पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं बैंक के बिल कैसे पे करूं। मेरे को बैंक से लोन लेना है, बट ये लोग कह रहे हैं पहले अपना पिछला लोन पे करो। कहा हवा में कर दूं क्या? वेट हवा में चांद है, मैंने पहली बार इस गेम में हवा में देखा। पर छोड़ो यार आज का दिन बहुत खराब गया, जल्दी से चल के सोते हैं। ये देख रहे हो स्क्रीन पे $2,28,000 का नुकसान। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है, आज ऑक्शन है, और ऑक्शन में जो गाड़ियां मुझे खरीदनी है उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है। एक काम करता हूँ, ऑक्शन का टाइम है 1 बजे और अभी सिर्फ 7 बज रहे हैं। वेट टाइम अपडेट नहीं हुआ है यार। देखो कल जो पैसा उड़ाया है ना फटाफट से वो कमाना भी है, तो जल्दी जल्दी गाड़ियां खरीद लेता हूँ, कुछ वैसी गाड़ियां जो फटाफट से बिक भी जाती है। ठीक है तो मुझे अभी फटाफट यहाँ पर गाड़ी पार्क करता हूँ और थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर आते हैं। अबे भाई एक सेकंड तो ठोक देंगे यार। वो एक सेकंड रुको, मुझे कुछ दिखा भाई, कोई बढ़िया चीज दिख गई है। हटा ले भाई, क्या कबाड़ चला रहा है ये बंदा, तेरे मस्टैंग सच में स्लो तो है। ये देखो गाइस मुझे बैक साइड पे एक व्हाइट कलर की मस्टैंग खरीद, भाई मैं सब खरीदने वाला हूँ और गाड़ी खरीद के ना मैं चला के नहीं ले जाऊंगा। टैबलेट से एक काम करता हूँ, अपग्रेड में जाके ये जो टो वाला ऑप्शन है ना, मैं अगर ये स्पेस खरीद लूंगा तो मैं यहीं खड़े खड़े गाड़ियां अपने शोरूम भिजवा सकता हूँ, बट इस गाड़ी को नहीं भिजवाऊंगा क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी वो डैमेज है तो पहले रिपेयर होनी चाहिएगी। हाँ जी सर, कितने की बेच रहे हो? अब फटाफट ज्यादा गाड़ियां खरीदते हैं। ये गाड़ी भाई 35 की बेच ही रहा है, 25 की इसको 28 की ले लेता हूँ लास्ट ऑफर। भेज दे भाई फटाफट, टाइम टेंशन नहीं। ओके नहीं भाई गुस्से में है तो 30,000 भेज दे भाई प्लीज। ओके नाइस, गाड़ी मिल गई है, गाड़ी को टेस्ट वेस्ट नहीं कर, फटाफट से इसे भेजो रिपेयरिंग के लिए। अब मेरे को चाहिए कोई दूसरी गाड़ी भाई, आज मैं पूरा नेबरहुड ना छाटने वाला हूँ, जितनी मस्त मस्त गाड़ियां सारी खरीद के बेचेंगे। पैसों का बहुत जरूरत है भाई मुझे, बहुत ज्यादा। यहाँ पे एक स्कोडा है, मेरे को काफी ठीक कंडीशन की लग रही है। कितने की बेच रहा है भाई? भाई सही है गाड़ी, एकदम नई जैसी है। उतरी 66% डैमेज, रहने दे भाई, नहीं चाहिए इतनी ज्यादा डैमेज कार, नहीं चाहिए भाई मुझे। ये है फोर्ड है तो, ओ एक सेकंड भाई मुझे एक मर्सिडीज दिख गई है, बहुत सही बिक जाएगी गाड़ी, बहुत महंगी आती है ये भी। $80,000 की तो दे रही होगी प्यार से, देखो 88 भाई, तुम्हारा भाई एक्सपर्ट हो चुका है। मैं ऐसी बता देता 78,000 तो नहीं जाएगी, इसे 80,000 की मांग लेता हूँ, क्या पता सीधा दे दे इतने की, महंगी गाड़ियां हो जाती हैं। ओके हो गई गाड़ी, इसकी कंडीशन भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू क्लीन कार है, इसको सीधा टो करा के शोरूम भेजते हैं। नेक्स्ट कार ये तो भाई एक सेकेंड, ऑडी है, ऑडी S5, थोड़ी सी डैमेज है और गाड़ी बहुत सस्ती मिल रही है, तो मैं इसे 15,000 का ले लेता हूँ। नहीं दे रही, 18,000 की तो प्यार से देगी यार ये। चलो गाड़ी मिल गई मेरे को, थोड़ी सी डैमेज थी तो मैंने ले ली, अभी इस गाड़ी को भेज देते हैं रिपेयर होने। अब फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी लेके पहुंचते हैं शोरूम पे। वैसे 1 बजने में ना थोड़ी देर है ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ अपनी गाड़ी मैं टो करवा के भेजता हूँ शोरूम पे, और मैं आता हूँ बस से, फास्टेस्ट मेथड, आज बहुत काम करना है तो सीधा पहुंचता हूँ ऑफिस। लेट्स गो गाइस, ऑफिस में पहुंच चुका हूँ, गाड़ियां अपनी सारी यहाँ पर आ गई है, 2 गाड़ियां रिपेयर होने के लिए उस शॉप पे है, तो अभी फटाफट से इस गाड़ी को पीछे लाके पार्क कर रहा हूँ और भेजते हैं। ये गाड़ी मेरा ना बहुत फायदा करवा देगी, कल जितना नुकसान हुआ है ना आधा आधा तो नहीं बट 30% कवर होगा इस गाड़ी से। तो पेज में चल के हमें सबसे पहले बेचने पे लगानी है मर्सिडीज, $80,000 की लाया था, $1,60,000 की डाल देता हूँ, put it on sale। गाड़ी थोड़ी गंदी है, थोड़ा बहुत क्लीन कर देते हैं भाई। चलो नाइस, गाड़ी फुल चमका दी है। अब 2 गाड़ियां रिपेयर होने के लिए आई थी, फटाफट से वहाँ पे चल के उन्हें रिपेयर करवाते हैं। यार तुम सोचा मत करो, गाड़ी रिपेयर लगा दिया करो, वैसे भी ये बहुत ज्यादा डैमेज है, टाइम लेगी रिपेयर होने में, और ये कम डैमेज थी, ये तो क्विकली रिपेयर हो जाएगी, इसका बस बैक बम्पर टूटा था। मेरे को ना गाइस एक और स्किल पॉइंट मिल चुका है, पर मैं प्लान कर रहा हूँ कि अभी ना ये कार वॉश मशीन अनलॉक करूँ, बट इसको अनलॉक करने के लिए मुझे 2 स्किल पॉइंट चाहिए होंगे और मेरे पास अभी 1 है। वैसे गाइस मैं ना एम्प्लॉयज भी अनलॉक कर सकता हूँ, मतलब एक हेल्पर आ जाएगा जो हमारे शोरूम में हमारे लिए काम करेगा, तो थोड़ी देर में वो हो ही जाएगा, अभी कुछ नहीं करना मेरे को, बस पॉइंट्स कलेक्ट करते रहने हैं।
और फटाफट से ये गाड़ी लेकर चलते हैं। कस्टमर आना शुरू हो गए हैं ऑफिस में, ऑक्शन भी स्टार्ट होने वाला है भाई, 5-10 मिनट में ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा पैसा यहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं जल्दी जल्दी गाड़ी बेच के। हाँ जी मैम, गाड़ी जल्दी से खरीद लो भाई, 1,60,000 की, जल्दी बेचनी है, टाइम नहीं भाई। 1,00,000 दे रही है भाई, एक मिनट, इनको पता है क्या 1,20,000 लास्ट ऑफर? नहीं इतना नहीं बढ़ाएगी यार। ओ वेट, बिक गई, पागल थी क्या ये लड़की? नहीं नहीं एक सेकंड, पागल क्यों, मैंने पागल थोड़ी बनाया किसी को। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है। अपने पास अभी दो और गाड़ियां हैं बेचने के लिए, बट वो बाद में देखेंगे। आज ऑक्शन में जाके ना एक बढ़िया सी गाड़ी लेकर आनी है, $2,50,000 है मेरे पास। सर यार आज कोई एक गाड़ी अब बढ़िया हत्ते लग गई ना, पार्टी दूंगा सबको। ये फर्स्ट कार तो यार क्या कबाड़ है, कौन लेकर आए? वेट, आज मैं ड्रैग रेस के लिए जाऊंगा, इसके बाद मैं गाड़ियां नहीं बेचने वाला, हम लोग जाएंगे ड्रैग रेस के लिए भाई, वहां से पैसा रिकवर हो सकता है। बस हाँ थोड़ा दिमाग से इस बार ना यार, वो R8 से नहीं लड़ाई करनी, निशान GTR वगैरह इन सबसे पंगा नहीं लेना अभी। इन सबसे पंगा लेने के लिए अपने को फरारी या फिर निशान ही चाहिए होगी। अबे भाई किसकी गाड़ी है ये, ले लो आगे खत्म करो ना, क्या है ये? ठीक ना, इसको लेके ऑक्शन चल रहा है यार, मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, मेरे को पहले बताए थे ये सब ड्रामा है। ओ बिगी नेक्स्ट। अबे तुम लोग कैसा सा ऑक्शन हो रहा है भाई, ये क्या गाड़ियां आ रही हैं? एक मिनट, ये गाड़ी $1,50,000 की क्यों जा रही है भाई? एक सेकंड भाई, मुझे मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा, एक गाड़ी आई है वो 1,70,000, इसके इतने डिमांड क्यों है? इस गाड़ी में कुछ तो ऐसा है भाई, फियाट की कार है, रियल लाइफ में मुझे पता करना पड़ेगा कौन सी कार है भाई, कुछ ज्यादा रेट जा रहे हैं भाई इसके, 2,00,000 टच होने वाली है वो गाड़ी। इसको खरीद लू क्या मैं? मेरे पास इतना पैसा है बट मुझे पता नहीं है बिकेगी या नहीं बिकेगी, क्या सीन है इसका? 1974 की बहुत कोई पुरानी विंटेज कार है गए भाई, 2,00,000 इसका रेट पहुंच चुका है, यहाँ भी रिस्क ले लू क्या? मेरा ना दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है। एक डब्बी सी गाड़ी मेरे आगे आई है जो इतनी ज्यादा महंगी बिक रही है कि विश्वास ही नहीं हो रहा भाई। ये लो भाई जितना मेरे पास, ओके बिक गई, 2,21,000 की गई है। और ये क्या बेंटली आई है? ये कौन सी कार है भाई? समझ नहीं आ रही, कोई और ब्रांड है ये? जा रहे भाई, रेट तो इस गाड़ी के बढ़ रहे हैं, डालू क्या इसमें बिट? यार आज ना अपने हत्ते कुछ नहीं लगने वाला, मुझे इस मस्टैंग से गुजारा करना होगा। और इधर देखो यहाँ पर भी एक मस्टैंग आ गई भाई, अब मैं क्या करूं? एक मस्टैंग मैं खरीद के लाया हूं, एक मेरे पास है, एक ही ऑक्शन से ले लूं। की गाड़ी बिल्कुल डैमेज नहीं है, ले सकते हैं इसे, वैसे डालता हूं बिट इस पे। ले भाई 2,000 डालूंगा सीधा, ये 80 तक जाएगी मेरे को लग रहा है। ओ भाई वेट, ओ वेट 32 में आ गई, लेट्स गो, दो मस्टैंग हो गई भाई। तो ये है अपनी न्यू मस्टैंग, इसे क्लीन करवाना पड़ेगा, अभी फिलहाल के लिए इसे शोरूम पे टो करवाता हूँ, कल आकर उस गाड़ी को बेचेंगे। अपने पास दो मस्टैंग हो चुकी है और एक हमने कौन सी खरीदी, BMW, हाँ एक BMW खरीदी थी। तो है अपने पास गाड़ियां अच्छी खासी है, बट अभी मैं जा रहा हूँ ड्रैग रेस के लिए। यार आज का दिन ना सचमुच में बहुत ज्यादा नुकसानदायक था, बट गाड़ियां बहुत सारी खरीदी, इनको बेच के सब कुछ मेरे को लगता कवर हो जाएगा जो हमने कल नुकसान करवाया था। और साथ ही अगर मैं ड्रैग रेस जीता आज तो मजे आने वाले हैं। बट एक सेकंड भाई, हेलो गाइस, ये गाड़ी तुम्हें जानी पहचानी नहीं लग रही? ये वही कार है जो आज $2,00,000 की बिकी है भाई, क्या है इस गाड़ी में ऐसा? तो को मालूम है 87,000 की भाई रेस लगा रहा है ये। कर भाई तू कर, करा लेते हैं गाइस नुकसान, क्या पता जीत जाऊं। R8 को अच्छी टक्कर दी थी, ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत अच्छी टक्कर दी थी। अगर मैंने इस गाड़ी को आज हरा दिया भाई मजा आ जाएगा, और अगर मैं हारा मैं मस्टैंग बेच दूंगा भाई, ये लास्ट ड्रैग रेस होगा मेरा मस्टैंग के साथ, मैं ड्रैग रेस करूंगा इन्हें अच्छी गाड़ी खरीदे बिना। तो चलो गियर अप मारा, गाड़ी को आगे लेके चलते हैं आराम से, थोड़ा आराम से पार। ठीक है भाई गाड़ी पोजीशन ले चुकी है, भाग 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 भाई, मस्टैंग घुचू। ओ भाई लेट्स गो, जीत गए भाई, $1,74,000 हो गए भाई, अब आया मजा, दिल खुश कर दिया। वैसे पता है वो गाड़ी अच्छी टक्कर दे रही थी शुरुआत में, तो मेरे को एक बार को फील हुआ था मैं हारूंगा, बट एक गियर अप जैसे ही हुआ ना उसके बाद तो गैप बन गया था, पर वो जो गाड़ी है ना वो वापस गैप कवर कर रही थी, मतलब थोड़ी देर तक अगर रेस और चलती तो वो लपेट सकती थी। बट ठीक है भाई, मस्टैंग ने अपने आप को डिफेंड कर लिया, वरना मैं इसे कल बेचने पे लगा देता। अभी ना आज सोने चलते हैं, नहीं सोने को चलना, चलो यार फटाफट से क्लीन कर देता हूँ गाड़ी को, और अभी जल्दी से ना गाड़ी में बैठकर चलते हैं, अपने को फटाफट चल के जितनी गाड़ियां हैं उसे बेचना है भाई, वापस से $3,00,000 लेट्स गो भाई। भागती तो है जब इस पे ये मारो तो, बस 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 आराम से। अभी गाड़ी को साइड में लाके खड़े करते हैं, और सबसे पहले मुझे ये गाड़ी बिल्कुल ठीक है तो बस इसे क्लीन करके बेचने लगाना है। इसको यहाँ पे पार्क कर देता हूँ भाई, मस्त कंडीशन है इसकी भी, ऑफिस ओपन। और गाड़ियां हमें बेचनी है, पहली अपनी कौन सी है? Audi S5। Audi S5 ये कितने की लाया था मैं यार, ये तो महंगी नहीं जाएगी, फिर भी डाल देता हूँ $55,000 का। और अपने पास है मस्टैंग व्हाइट कलर वाली 32 की, जो भी बिट से खरीद के लाया हूँ, और इसको हम लोग डालेंगे $85,000 का। और अपने पास एक मस्टैंग है जो कि सामने रिपेयर होने के लिए लगी है, वो लेकर आता हूँ। एक तो कोई बदतमीज फिर से कूड़ा फेंक गया, इसको क्लीन कर देते हैं यार। वैसे अगर वो मैंने लॉस नहीं करवाया होता $2,00,000 वाला वैसे एक्सपेरिमेंट ही था वो भी, पर हाँ जो भी अगर नहीं करवाया होता तो बहुत पैसा होता भी मेरे पास। तो ये गाड़ी को
लेके चलते हैं इधर। भाई ऑफिस में बहुत सारे कस्टमर्स आ चुके हैं क्योंकि गाड़ियां इस लेवल की है ना, ओडी मस्टैंग मस्टैंग मस्टैंग, भाई तीन तीन घड़ियां ऐसे लग रहा है शोरूम ही मस्टैंग गए। चलो ये वाली गाड़ी को भी अंदर करके बेचने के लिए लगा देता हूँ। लाओ भाई यहाँ पर एक और मस्टैंग। बंदों को लगेगा भाई फोर्ड की डीलरशिप पे आए हैं क्या। मैंने गाड़ी क्लीन नहीं करी थी बट कस्टमर आ चुके हैं तो पूछ लेता हूँ कितने की खरीद रहे हैं। $85,000 की मैंने डाली है। 51 ये देने के लिए रेडी है। नाइस। हाँ जी सर आप कितने दे रहे हो? क्योंकि मेरे को उससे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, 18,000 का ही होगा। 37। आप तो आ मत जाना इसमें दोबारा। ऑडी बेच देता हूँ यार, पहले एक काम करता हूँ ना, उसमें ज्यादा सोचना समझना नहीं है। 18 भी लाया था, 23 ये दे रहा है तो इससे बार्गेन करके 28 लास्ट ऑफर बिक जाएगी शायद। अगर तेरे को हाई लग रहा है तो तू फटाफट यहाँ से निकल। चल चल, एक काम करता हूँ मैं ऑफिस बंद कर रहा हूँ, चलो सारे जाओ। नहीं है मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी, तो दिख नहीं रहा ऑफिस बंद हो गया। क्या पता है, अच्छा प्राइस दे दे 51, तू भी निकल। कल बेचेंगे यार सारी गाड़ियाँ। ये वाली गाड़ी ना बेचने पे लगा देता हूँ, तीसरी वाली मस्टैंग भी। ये भी $82,000 की डाल देते हैं, पुट इट ऑन सेल। अब कल आके सारी गाड़ियां मैं बेचूंगा। चलो गाइस आज का दिन इतना भी बुरा नहीं था, हमने गाड़ियां एट द एंड खरीद ली काफी सारी, जिससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। बट कल अपने को इतना पैसा कमाना है कि मैं एक मस्त कार खरीद लूं जल्दी से। लेट्स गो। तो अभी मैं वापस से पहुंच चुका हूं अपने घर पे, कंटेनर पे गाड़ी पार्क करते हैं और जल्दी से जल्दी अंदर सोते हैं। आज का दिन बुरा था बट उतना भी नहीं। लेट्स गो गाइस, अगला दिन हो चुका है। आज के दिन हमें बहुत सारा पैसा कमाना है। ऑक्शन ओपन है, ड्रैग रेस से कमा सकते हैं। बट ड्रैग रेस करने से पहले ना इस बार मेरे को फ्यूल डलवाना पड़ेगा, गाड़ी में फ्यूल बहुत कम है। चलो भाई गाड़ी फुल स्पीड में भगाऊंगा। ओके भाई एक सेकेंड, आज मेरे को लगता है ड्रैग रेस नहीं करना चाहिए क्योंकि एक तरफ फरारी है और एक तरफ ऑडी है। ऑडी को हरा देंगे भाई, फरारी वाले से नहीं करेंगे। चुपचाप चलते हैं, गाड़ी बेचते हैं फिर आएंगे इसके लिए। पर हाँ मैं ना कार ऑक्शन तो 5 बजे आज, बहुत देर बाद है। चलो शोरूम में ऑफिस पहुंच गया हूँ। गाड़ी खड़ी करते हैं, थोड़ी साफ सफाई चालू करते हैं पहले तो आते ही। इसको डालो इसमें, दरवाजा ओपन। ओके कस्टमर आना शुरू हो गए हैं, गाड़ी थोड़ी बहुत क्लीन करना स्टार्ट कर देता हूँ। गंदी बहुत हो रही है सारी गाड़ी, व्हाइट कलर की कार है कोई मानेगा, एकदम ब्राउन हो रखी है। चलो गाइस एक गाड़ी तो मैंने मस्त क्लीन कर डाली है, आई थिंक इसकी टॉप रह गई होगी, इसे भी कर देता हूँ। तो एक गाड़ी मस्त क्लीन हो गई है, दूसरी वाली भी क्लीन पे लगा देता हूँ। पर इसके कस्टमर आ चुके हैं तो उनके आगे क्लीनिंग नहीं करते, देखता हूँ कितने का खरीद रही है। 55 आज थी, 23 ये दे रही है या 28 अगर कोई ले रहा है इस गाड़ी को तो ठीक है, वरना मैं नहीं बेच रहा, मेरा कुछ फायदा ही नहीं है। तो कुछ ज्यादा लग रहा है, तू भाग यार यहाँ से। ऑडी हो रही है क्या, हो रही है मजाक है क्या, भाग यहाँ से। हाँ जी सर मस्टैंग बताओ आप, ले जाओ इसको 60,000 का यार, 30-40 हम भी कमाए। 47 भाई नहीं यार तू नहीं ले पाए भाई, तू जा। बहुत गंदी हो रखी यार गाड़ियां सारी। मेरे को ना यार अपनी स्किल अनलॉक करनी है, उससे मैं प्रेशर वॉशर मिलेगा ना तो गाड़ी बहुत तेज वॉश कर पाऊंगा। गाड़ियां एकदम मस्त क्लीन हो गई है, दो तो हो गई है यार। ऑडी के कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, बजट फ्रेंडली कार है क्या ये भी। 23 सब लोग 23 में क्यों आ रहे हैं, इसको बेच रहा हूँ मैं फिर इतने का ही। तू दे दे भाई 25 दे दे, अभी दे दूंगा। तेरी भाई ये तो मुंह की बात छीन ली इसने, अब तो 28 तक बार्गेन करके आ, मुझे नहीं मालूम। 25 तूने खुद बोला है, थोड़े बढ़ने चाहिए तू ले लेगा। यस लेट्स गो, बढ़िया कस्टमर था। हाँ जी सर आप बिजनेस मैन लग रहे हो मस्त वाले। 82,000 की कार है, 49 ये देने के लिए रेडी है। तू क्या 60 तक आएगा ऑफर? 60 ऑफर करता हूँ सबको, कोई ना कोई कस्टमर होता है। नहीं भाई नहीं आ रहा वो, प्राइस इज बॉदरिंग मी। 48 ये दे रहा है, 60 लास्ट ऑफर। भाई खरीद लो यार 60,000 का, थोड़ा बहुत नेगोशिएट करूंगा। $58,000 भाई 48 से ऊपर कोई बड़े नहीं रहा, निकल यार यहाँ से। तू बता भाई कितने खरीद लेगा? ऑक्शन है यार आज, उससे पहले मेरे को पैसे बहुत इकट्ठे करने हैं। 46 नॉट बैड बट इतने की तो कोई भी खरीद ले। लास्ट इसे 54 की बेच देता हूँ यार, एक मस्टैंग नहीं बिक रही है, गाड़ी महंगी। ओके नाइस 54 का एक बिका, ये वाला भी निकाल ही देता हूँ। न्यू कस्टमर आया इसके लिए, एक देखते हैं ये कितने दे रहा है। 82 के हमें दे रहा है, 41 नहीं यार फिर से अमीर बंदा पीछे खड़ा है। कितने दे रहा था भाई तू? 49 दे रहा है ना, इसको बेचते हैं यार 57 या 58 की ले जाएगा बंदा, करेंट है इतने तो बढ़ा सकता है यार, कमा लेगा भाई तू। रुक जा लास्ट ऑफर ले ले तू 56 का। खत्म भाई, इसके नीचे नहीं आ रहा मैं, बहुत ड्रामे हो गए। 26 ओके नाइस बिक गई। मस्टैंग का मुझे प्राइस मिल चुका है, 56 विक्स की जाती है भाई, ये इससे ऊपर नहीं जाती है गाड़ी। तो अगर ये $34,000 के अंदर मिल रही है मुझे तभी खरीदनी है, इतना याद रखना है। फिलहाल अभी मैं भाग के चलता हूँ एक बारी नेबरहुड पे, क्योंकि कार ऑक्शन 5 बजे, उससे पहले थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं। ऑलराइट नेबरहुड पहुंच चुके हैं, यहाँ पर अगर कोई मस्त गाड़ी दिख गई ना 2-3 तो वो खरीद लूंगा। हाँ मैं अभी अपनी पुरानी वाली स्ट्रेटेजी पर आ चुका हूँ कि सस्ती गाड़ियां खरीद के थोड़ा थोड़ा कमाओ, मतलब मेरा आने का तो मन बिल्कुल नहीं है पर करे क्या, महंगी गाड़ियां मिल ही नहीं रही है कहीं। और अभी तो यहाँ पे भी नहीं मिल रही भाई, क्या डब्बे डब्बे खड़े हुए हैं। एक सेकेंड एक बीटल आई हुई है, कितने की है भाई? सस्ती हो गई तो वैसे। ओके 30,000 की है, नहीं चाहिए, कंडीशन अच्छी है वैसे इसकी, ले लूंगा बिक जाएगी यार ये। डैमेज नहीं है गाड़ी तो मुझे कोई काम नहीं करवाना, तो इसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ले आके बस बेचने का काम करना है। 30 ये बोल रहा है, 24 की मैं इससे ले सकता हूँ, वरना 26 आ जाऊंगा। नहीं 26, अब इसमें ड्रामे मत कर भाई, दे दे यार। नाइस गाड़ी मिल गई,
गाड़ी को सीधा टो करा के भेजो शोरूम। 5 बजने से पहले मैं ये गाड़ी बेच के $60,000-$50,000 और कमा लूंगा। बाकी यहाँ पे लास्ट रोड है और इस पे एक स्कोडा खड़ी है, नहीं चाहिए। कोई भी मस्त कार नहीं है। चलो भाई नेबरहुड तो पूरा छान मारा, मुझे और कोई बढ़िया गाड़ी नहीं मिली। अब बस पकड़ के वापस चलते हैं। लेट्स गो। मैं आ चुका हूँ वापस से, बीटल में खरीद के लाया था, तो फटाफट से इस गाड़ी को लेकर चल के बेचने के लिए लगाते हैं अंदर। गाड़ी का साउंड बहुत डिफरेंट है यार, मतलब अलग सा प्यारा सा साउंड है, ऐसे पानी के अंदर हो इसका एग्जॉस्ट। चलो ये गाड़ी महंगी बिक सकती है, इसे लाख का डालेंगे। मतलब विंटेज कार है, क्या पता इसका कोई कस्टमर अलग सा आ जाए। तो ये लो भाई $1,00,000 की मैंने गाड़ी डाल दी है। और अभी टाइम बहुत कम बचा है, मैं चल सकता हूँ इस टाइम पर जल्दी से एक रेस करने ड्रैग वाला, क्योंकि 5 बजते ही शुरू हो जाएगा भाई। मुझे ना जल्दी से चल के एक ड्रैग रेस करना है, क्योंकि 5 बजते ही भाई ऑक्शन शुरू हो जाएगा, और ऑक्शन में आज मुझे कोई सुपर कार पकड़नी है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। और वैसे ज्यादा टाइम जाने नहीं वाला, क्योंकि एक ही ड्रैग रेस करना है। दूसरी फरारी है भाई, मेरे को उससे हारना नहीं है। ये पिटा हुआ बंदा आया भाई अपनी ठुकी हुई गाड़ी लेके, तेरे को और पैसे खराब कराने हैं क्या? आ जा, चल देखते हैं कौन जीतता है। चलो गाइस रेस स्टार्ट होने वाली है, फटाफट से रेसिंग लाइन पे पहुंचते हैं और अब इसको लपेटूंगा भाई मैं। पर ऐसा ये ना हो भाई उस बंदे ने गाड़ी बहुत ट्यून करा रखी हो, मैं लपेट दूंगा। ओके स्टार्ट अपना बहुत सही हुआ है, उससे तो तेजी पिकअप है भाई। अपनी गाड़ी तो हवाओं से बातें करने वाली है। ओ लेट्स गो, लपेट दिया भाई, बहुत ही गंदा लपेटा, होगी कमाई। बस भाई आज इतना ही ओ वेट, फरारी वाला बंदा चला गया, कोई सस्ता बंदा है। 15,000, तू भी आ जा भाई, तेरे को भी मारेंगे भाई साहब। ये बंदा पिकअप व्हीकल लेकर आया है यार, कितनी बुरी तरह हारेगा इसको मालूम नहीं है ये बात। बहुत गंदा रहूंगा यार इसको, बहुत गंदा रुला दूंगा। चलो थोड़ी सी गाड़ी आगे लाके लगा लेते हैं, जल्दी ले आ भाई, तेरा खेल खत्म करके हम भी $15,000 ले। 1 go भाई, भूत बना दूंगा इसका। अबे भाई नाइट्रो देने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो कहाँ रह गया भाई, उसको ड्रैग रेस मजाक लग रही थी क्या? खो गया भाई उधर रस्ते में, ये देखो अब गा रहा है भाई साहब। करने क्या आया था भाई यार, मुझे ना उस बंदे के लिए दया आ रही है, उसने अपना बहुत पैसा खराब कर दिया। मेरे को समझ नहीं आ रहा यार वो करने क्या आया था, इतनी बुरी तरह आ रहा है भाई वो, इतनी बुरी तरह। पर खैर छोड़ो, जो भी है मेरे पास $4,50,000, 5 लाख थे, 2 लाख हम हारे थे, हमने वापस उतना कमा लिया। और अभी तो एक गाड़ी खड़ी भी है, तो बीटल अभी शोरूम चल के ओपन करता हूं, उसके कस्टमर आएंगे। 5 बजे ऑक्शन है अपने पास, अभी 1.5 घंटे हैं, तो हो सकता है गाड़ी बिक जाए अच्छे खासे प्राइस में और वापस से 5-5.5 लाख इकट्ठे हो जाए। लेट्स गो। आ चुका हूं मैं शोरूम में, थोड़ी गंदगी साफ करके ओपन करके से बेचने लगाते हैं। वैसे लगी भी है, बेचने कुछ करना नहीं है, थोड़ी बहुत सफाई कर देता हूँ, गंदी काफी हो रही है ना। क्योंकि वैसे एक सेकंड, अपना स्किल अभी अनलॉक हो सकता है, पता है ये वाला मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो अभी कार वॉशिंग वाला अनलॉक कर लेता हूँ मैं, और मैं अभी क्लीनिंग कर सकता हूँ इससे कुछ ऐसे। ये देखो, ओ वाओ, वैसे उतना तो फास्ट नहीं है, उनको बराबर ही लग रहा है, पर हाँ शायद इजी है उससे, फास्ट नहीं है, इजी है। सेम इधर भी उनको मैं टैंक क्लीन करनी है भाई, अभी मजा आ रहा है लेकिन क्लीनिंग करने में। चलो भाई गाड़ी पूरी मैंने धो के चमका दी है, ड्रैग रेस के बाद बहुत गंदी हो जाती है। डन भाई, पूरी चमक गई अपनी कार। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ इस कार के कस्टमर आने का, जो कि मुझे लगता नहीं है अभी जल्दी में आने वाले हैं। बैंक से लोन लेना चाह रहा हूँ, दे रहे हैं नहीं ये लोग। ये देखो मैं गया यहाँ पे आरे बैंक, और यहाँ पर भी सीधा लिख कर आता है देयर इज एन अनपेड इनवॉइस, पे ऑल बिल्स टू विदड्रॉ मनी। ठीक है मैं बिल्स पे गया, मुझे बताओ तो कहाँ पे करूँ भाई, किधर किधर कर दूँ, बैंक में कुछ लिख के ही नहीं आ रहा है, मैं तो दे दूँ पैसे। अच्छा इनवॉइस मंडे को आएंगे, बैंक बिल्स मंडे को आते हैं भाई। अच्छा आज थर्सडे है, अभी ये सब तो मैंने नोटिस ही नहीं करा। चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे को मंडे होने का वेट करना पड़ेगा भाई इस गेम में, उसके बाद मैं बिल पे कर पाऊंगा। बाय द वे ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है, अरे यार कि नहीं हो रहा ऑक्शन। अरे ड्रैग रेस करने से ऑक्शन डे स्किप हो जाता है क्या? 5 बजे ऑक्शन होना था, 5 बजने कुछ हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या ड्रामा है। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं गया ऑक्शन तो गया, अभी फटाफट से चलते हैं कस्टमर ऑफिस में, ये वाली गाड़ी बेचते हैं। और मैं सोच रहा हूँ इतना सारा पैसा है तो एक नया घर खरीद लूँ क्या? नहीं यार अभी घर वर नहीं खरीदना। हाँ जी सर, 1 लाख की गाड़ी डालिए, कितनी खरीदोगे? 36, पागल हो गया क्या? 50,000 है लास्ट ऑफर, तू बेटा पिट के जाएगा वरना निकल ले। इसको भगा रहा हूँ भाई मैं, भाग जाए यहाँ से। आज का दिन अपने लिए अभी तक का सबसे ज्यादा नुकसानदायक दिन था, हमने $2,00,000 प्रॉपर हारे, $2,50,000 हारे, पर थोड़े बहुत जीते भी, गाड़ियां कोई ढंग की मिली नहीं। पर आई होप नेक्स्ट वीडियो में हम कार ऑक्शन से कोई ना कोई तो सुपर कार निकाले, अपने लिए एक नया घर खरीदे, कार मार्केट प्लेस से मुझे कुछ भी करके ना एक न्यू सुपर कार खरीदना है, जिससे मैं ड्रैग रेस में सभी को हरा पाऊं। फिलहाल आज की वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, हो सकता है मुझे मस्टैंग बेचनी पड़े, क्योंकि इससे मैं सब कार को नहीं हरा सकता, छोटे मोटे व्हीकल को हरा के मैं पैसे कमा लेता हूं, बट जहां 2 लाख वाला बंदा आता है ना, जो $5,00,000 की गाड़ी लेकर आता है और $2,50,000 का बेट लगाता है, वो हमेशा ही हराएगा मेरे को, तो मैं ज्यादा नहीं कमा पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे एक बहुत तगड़ी कार खरीदनी है, तो जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में खरीदेंगे, सुपरा वगैरह कुछ। तो बाकी आई होप आप लोग को आज की वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में जाकर जरूर बताना कि मुझे कौन
सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। देखो मैं वेट कर सकता हूँ पोर्शे का, वो भी $4-5 लाख की आएगी, फरारी भी उतनी की आएगी, या फिर निसान का वेट करूँ। पता नहीं वो कब आने वाली है, अभी तक तो मुझे देखने को नहीं मिली मार्केट प्लेस में, हो सकता है ऑक्शन में आ जाए, बट हाँ जब भी आएगी उसे ले लेंगे। आप लोग कमेंट्स बताओ कौन सी लेनी चाहिए। बाकी यार आज के साथ वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।